हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल माय संध्या रंजनंद। पे प्रीवियस जीके वीडियो रे आम लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते आज भी आम आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर जोटा कि एग्जाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तुम समस्त जानते हो जो मैंने एस एस सी प्रिपेयर कर ओएसएससी सी एच एस एल ओके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करुच तो सी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके मोस्ट इंपोर्टेंट जीके एंड जनरल अवेयरनेस पे 50 मार्क क्वेश्चन आस एस सी एच एस एल है जदि 100 मार्क एग्जाम होती 25 मार्क क्वेश्चन आसके जिके रु ताले आम तुमको कही कि प्रीवियस वीडियो रे कि तार सीरीज तुमको प्रोवाइड करी जो तुमको रेस्पन्स भल रल तुम्हें वाच कर लाइक कर सेयार कर भल रेस्पन्स रहा तो मुझे एंटायर सब तुम जितक अच्छे जिके पर्सन सब कभर करी सहित इंग्लीश ग्रामर जितकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आसगढ़ सब आम डिस्कस करदे। ओके ताले देखिबा कौन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही पार्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम एग्जाम बहुत थर आगर आसी क्वेश्चन गुड़िक तेणु क्वेश्चन गुड़ी भल कि पे देख आम फास्ट क्वेश्चन हूँ लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कोटा इंडिया सब बड़ फॉरेस्ट स्टेट जो मैंने आंसर जान चार्ट बॉक्स रे कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिखिपार मुझ समस्त कमेंट को रीड करुच्ची तो कौन हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट स्टेट कोटा इंडिया सब बड़ माने अधिक जंगल थी राज्य कौटा माने कौ राज्य एमती इंडिया रही जो राज्य की अधिक जंगल अच्छी तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन बी एमपी मध्य प्रदेश। ओके लाइक दिस सेकेंड क्वेश्चन हूँ आम लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज जब आम एरिया को देखा क्षेत्रफल अनुसार कौ राज्य हूँ बड़ क्षेत्रफल अनुसार बड़ राज्य कौटा ना राइट आंसर हूँ राजस्थान ऑप्शन सी इज द राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान एरिया वाइज देखा पे क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान हूँ बड़ स्टेट इंडिया रो किंतु जंगल हिसाब से बड़ स्टेट अधिक जंगल थिबा राज्य हूँ मध्य प्रदेश। से भली स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज एरिया अनुसार सब छोट राज्य कौटा एरिया अनुसार छोट राज्य हूँ कौन ना गोवा ऑप्शन ए गोवा समस्त जानी चो गोवा हूँ गोटे छोट राज्य मैप्रे भी तो देखी थो पे ये एरिया हिसाब से क्षेत्रफल अनुसार सब छोट राज्य। देन लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज एवं देखा जनसंख्या को लेकिन बड़ कौटा माने कौ राज्य अधिक जनसंख्या अच्छा ये क्षेत्रफल देखा जाऊ जनसंख्या देखा जाऊँगी राइट आंसर कौन हम ना फोर नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी यूपी उत्तर प्रदेश हूँ लार्जेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट। देन क्वेश्चन नंबर फाइव स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या को दृष्टि रखिक सब छोट राज्य कौटा तो राइट आंसर हम ऑप्शन सी सिक्किम सिक्किम्र जनसंख्या पे बहुत कम आम जान आम पढ़ी थे से वीडियो रे जो वीडियो देखने डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी तुम तो देखने पार फास्ट यहाँ देखनी सार तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डैश तो सेंसस 2011 माने जनगणना 2011 जनगणना अनुसार टोटल पॉपुलेशन इंडिया टोटल पॉपुलेशन केते तो राइट आंसर हूँ पे कौन हम देखा चार्ट बॉक्स रे कमेंट सेक्शन कमेंट को लिख जो मैंने आंसर जान ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके जो देखिए 121,08,54,977 यहाँ इंडिया टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2000 जनगणना अनुसार 2011 मसीहा जनगणना अनुसार यहाँ हूँ इंडिया जनसंख्या। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया पॉपुलेटेड स्टेट कौटा माने 2011 जनगणना अनुसार अधिक जनसंख्यार घनत्व थिबा राज्य कौटा कौ राज्य जनसंख्यार घनत्व अधिक रही तो सेवेन नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हम ऑप्शन डी बिहार पे बिहार हूँ सब जनबहुल राज्य जनसंख्या को देखिले आम जनगणनार तथ्य हिसाब से बिहार में अधिक लोक रही। तापर क्वेश्चन नंबर एट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया डैश जो देखिबा 2011 जनगणना अनुसार लिटरेसी रेट केते रहुची इंडिया रो भारत रो साक्षरता हार केते रहुची ना एट नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी 74.04% तो पे 2011 लिटरेरी रेट देखिबा साक्षरता हार देखिबा ताले केते साक्षरता हार रोचे ना 74.04% रोचे भारत साक्षरता हार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन स्टेट जदि आम 2011 जनगणना को देखा सबुठ अधिक पॉपुलेशन स्टेट रूरल पॉपुलेशन स्टेट कौटा अधिक ग्राम माने ग्रामर लोकसंख्या थिबा राज्य कौटा माने अधिक रूरल पॉपुलेशन कौटी रही माने अधिक गाँव रहा ग्रामांचल जनसंख्या कौटी अधिका रही कौ राज्य तो 9 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होउची ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। पिलाने इंडिया रे जो हम देखिबा 2011 जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य रे होउची अधिका रूरल पॉपुलेशन स्टेट माने अधिका ग्रामांचल थिबा राज्य होउची उत्तर प्रदेश अधिका ग्रामांचल लोक रहंती उत्तर प्रदेश रे। ओके से भली क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मोस्ट लिटरेसी स्टेट सेंसस 2011 अनुसार अधिक साक्षरता थिबा राज्य कोटा बा शिक्षित राज्य कोटा इंडिया रे सबुठ शिक्षित राज्य होची कोटा ना यस ऑप्शन बी केरला। केरल होची अधिक साक्षर थिबा राज्य जारो साक्षर जहारो साक्षरता हार होची 93.90% केरल रो साक्षरता हार केते 90.93% पिला माने। ओके तेन केरल होची सबुठ शिक्षित राज्य आम 2011 जनगणना अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट 2011 जनगणना अनुसार अधिक माने सेक्स रेशियो स्टेट कौटा जो आम देखा लिंग अनुपात कथा कहुई हाईएस्ट लिंग अनुपात थिबा राज्य कौटा ताहले 11 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन डी केरला। केरल होची लिंग अनुपात अधिक थिबा गोटे राज्य। ओके एठी जो देखिबा ए केरल स्टेट रे प्रायतः 1084 जन जदि देखिबा आमे पुरुष आ महिलांकर जदि देखिबा 1084 जन महिला रहउचंती एवं माने प्रति 1000 पुरुष रे 1084 महिला रहउचंती तेनु सेक्स रेशियो अधिक रहउची केरल रे। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहैछि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आई थिंक समस्त यार आंसर जानिथबो 12 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कोन हबो ना लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इंडिया रो लॉन्गेस्ट रिवर कोटा जो माने आंसर जानिछ चार्ट बॉक्स से चार्ट करिक लेख बहुत रो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे क्वेश्चन आसीछि पिले माने जो माने एग्जाम देइथबो फेस करथबो जानिथबो जति क्वेश्चन डिस्कस करली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब तो गंगा यस गंगा होउछि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इंडिया रो लॉन्गेस्ट रिवर। ओके जदि हम देखिबा इंडिया रो सबठू दीर्घतम नदी होउची गंगा नदी प्रायतः यह 2525 किलोमीटर पर्यंत स्प्रेड होके अच्छे के 2525 किलोमीटर्स रही क्लीयर। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कोटा ऑलरेडी एटा भी हम डिस्कस करथले ट्रिब्यूटरी रिवर माने कौन शाखा नदी दीर्घतम शाखा नदी कोटा इंडिया रो तो 30 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर होची ऑप्शन सी यमुना यमुना नदी होची लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर। ओके जहाँ कि 1376 किलोमीटर पर्यंत रही पाने के रही ना 1376 किलोमीटर ऑलरेडी आम डिस्कस करते यहाँ प्रीवियस वीडियो रे ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ट्रिब्यूटरी रिवर माने होची शाखा नदी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 लार्जेस्ट रिवर हाविंग नो डेल्टा कौटा होची इंडिया रो सबटु बड़ नदी जो नदी रो की डेल्टा नाही डेल्टा माने कौन त्रिकोणभूमि नथिबा सबटु बड़ नदी कौटा तो 14 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर होची ऑप्शन बी नर्मदा नर्मदा रिवर होची सबटु बड़ नदी जो थरे की डेल्टा नाही। ओके माने डेल्टा माने कौन ना मु कहली तुमको त्रिकोणभूमि नथिबा नदी। ओके जहाँ कि 1312 किलोमीटर पर्यंत रही नर्मदा रिवर केते लेंथ तार रही तार लेंथ होची 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर रोची तार दैर्घ्य आउ नर्मदा नदी होची बिना डेल्टा वाला नदी। ओके त्रिकोणभूमि नथिबा नदी कहीं त्रिकोणभूमि केमिति सृष्टि होता है सेडिमेंट डिपोजिट हो कि नदी मुहाँ गोटे कौन हुए ना त्रिकोणभूमि सृष्टि करता है डेल्टा बोली कहुए राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक समस्त एटा जानिछ आंसर कौन हम 15 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी उलार लेक
उलार लेक काश्मीर जम्मू काश्मीर उलार लेक हूँ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सबुठ बड़ मधुर जल ह्रद। द नेक्स्ट क्वेश्चन हाएस्ट लेक ऑफ इंडिया इंडिया हाएस्ट लेक कौटा तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी देवताल। देवताल हूँ सबुठ हाएस्ट लेक उच्चतम ह्रद। देन 70 नंबर क्वेश्चन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया यहाँ समस्त जान थ सबुठ बड़ सॉल्ट वाटर लेक कौटा ओडिशार पिला माने निश्चय भाव को जानते लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर हूँ चिलिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चिलिका। चिलिकार वाटर कौन पर सॉल्ट थाए जेहेतु यहाँ बंगोपसगर पाख रोचे तो बंगोपसगर गोटे पॉइंट आसिक मिशे चिलिकारे तेणु बंगोपसगर पा आसिक चिलिकारे मिशु चिलिकार वाटर भी सल्टी लगी था तेणु सल्ट सल्ट लेक आम कह सल्ट वाटर लेक कह चिलिका को राइट। तापर देखिया क्वेश्चन नंबर 18 हाएस्ट डैम ऑफ इंडिया इंडिया रो सबुठ उच्चतम डैम कौटा राइट आंसर कौन हम ना 18 नंबर क्वेश्चन रो राइट आंसर होची ऑप्शन बी तेहरी डैम। तेहरी डैम होची सबुठ हाएस्ट डैम इंडिया रो सबुठ उच्चतम डैम आ वही तेहरी डैम कौटी अच्छी ना तेहरी डैम पे मैंने रही उत्तराखंड आईटा कौ नदी पर ना भागीरथी रिवर पर भागीरथी रिवर पर तेहरी डैम तैयारी करा जाएगी। ओके कौ स्टेट जदि कहा जाए तेहरी डैम सिचुएटेड इन उत्तराखंड 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 रही और भागीरथी नदी उपर तेहरी डैम तैयारी होती तेणु हाएस्ट डैम हो इंडिया रो तेहरी डैम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 हाएस्ट स्ट्रेट ग्राविटी डैम हाएस्ट स्ट्रेट ग्राविटी डैम कौटा जदि स्ट्रेट ग्राविटी डैम कथा पे आसला मुझे कही भाकरा डैम भाकरा नंगल डैम बोली कहती। ओके जो नदीबंध योजना थी भाकरा नंगल नदीबंध योजन यहाँ या तो हाएस्ट स्ट्रेट ग्राविटी डैम हो भाकरा डैम यहाँ कौ रिभर उपर अच्छी ना भाकरा डैम पंजाब सतलेज रिभर उपर या कौ स्टेट्रे ना पंजाब स्टेट्रे कौ रिभर उपर ना सतलेज रिभर उपर मन रखिए पे ये भी इंपोर्टाट ये आम देखिले कि तेहरी डैम हो उत्तराखंड भागीरथी रिभर उपर या तेहरी डैम आठ भाकरा डैम या सतलेज नदी उपर पंजाब सतलेज नदी उपर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये समस्त जान 20 नंबर क्वेश्चन कौटा लॉन्गेस्ट डैम इंडिया लॉन्गेस्ट डैम हो हीराकुद डैम जोटा कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशार संबलपुर रही। ओके देखा 20 नंबर क्वेश्चन सरला एवं देखिए 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे पचराई लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौटा देखा कई जन आंसर दे पार चार्ट बॉक्स से चार्ट करके लिख लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौटा ना 21 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ हूँ लार्जेस्ट एयरपोर्ट इंडिया सबुठ बड़ एयरपोर्ट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इंडिया सबुठ उच्चतम वाटरफॉल कौटा तो राइट आंसर कौन हम ना जग वाटरफॉल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जग वाटरफॉल हूँ इंडिया सबुठ हाएस्ट वाटरफॉल सबुठ उच्चतम जलप्रपात तो ये आम देखिले कि पे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पे रिपीट होती एग्जाम ए 22 टा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कले आज आम हाएस्ट लॉन्गेस्ट आउ स्मॉलेस्ट इंडिया रो आउ जो मैंने प्रीवियस वीडियोटा देखिन जोटी आम डिटेल्स देखी इंडिया रो हाएस्ट हाएस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को लेकिन से वीडियो लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेव आज जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होने चाहूँ व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन लिंक रही तो क्लिक करके समस्त जॉइन करपर। ओके समस्त वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर फ्रेंड मन सहित ग्रुप में शेयर कर। ओके तुमको आगे कौ टाइप वीडियो दरकार तो मत चार्ट बॉक्स से चार्ट करके तुम जन पार और मुझे ट्राए कर 100% से टाइप वीडियो नहीं आसपाई। ओके नेक्स्ट मुझे प्लान कर इंग्लिश ग्रामर जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम एग्जाम आसपर में डिस्कस करवा इंपोर्टेंट रूल्स डिस्कस करवा इंग्लिश ग्रामर। ओके थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।